और उसको सिर्फ इको मोड पे ड्राइव करते हैं तो क्या हमको बेस्ट से बेस्ट माइलेज मिलेगा। और इनमें से कुछ लोग कर भी रहे हैं, इको मोड पे ड्राइव कर रहे हैं और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं हमेशा इको मोड पे ड्राइव करता हूँ फिर भी जो है मेरे को माइलेज नहीं मिलता। तो भाई ये थोड़ा समझने की जरूरत है किस मोड की किस जगह पे नीड है, वो आपको यूज करना आना चाहिए। मैं करेंटली अभी जो है स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिली एरियाज है, उसके बाद भी मेरा जो है व्हीकल है डीजल है, उसके बाद भी मैं 22-23 का माइलेज जो है निकाल रहा हूँ। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि सिर्फ इको मोड पे ड्राइव करने से आपको बेस्ट माइलेज नहीं निकलेगा। और अगर आप जो है हमेशा इको मोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो है गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप खुद भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप जो है इको मोड्स का ऐसे हिली एरियाज में ड्राइव करेंगे तो आपको जो है बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, आपको जो है क्लच से प्ले करना पड़ेगा, एक्सीलेटर को प्रेस करना पड़ेगा हार्ड, और आप जो इंजन को भी बहुत ज्यादा रैव कर रहे हैं, हाई आरपीएम पे आपकी गाड़ी जा रही है और इतनी मगजमारी के बाद भी आपको जो है माइलेज नहीं मिल रहा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी हमेशा गाड़ी चलाते हो ना, लेकिन अगर आप लाइट फुटेड चलाते हो, कम आरपीएम पे गाड़ी ड्राइव करते हो, तो भी आप जो है भाई बहुत अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। क्योंकि गाड़ी का आप जब देखिए पावर रेशियो बताया जाता है या टाटा द्वारा भी बताया जाता है, तो आपको जो है मैक्सिमम पावर बताया जाता है। वो क्यों बताया जाता है, अगर आप जो हर टाइम उतने ही पावर पर ड्राइव करोगे तो भी जो उनका एआरआई क्लेम्ड माइलेज है उसके आसपास आप आ सकते हैं। तो ये चीज है भाई, समझिए आप जो है गाड़ी से ही इरिटेट हो जाओगे। मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है इको मोड, में बहुत ही रेयर कभी लगाता हूँ, अदरवाइज मैं सिटी और स्पोर्ट्स इन दोनों को यूज करता हूँ और बहुत बेटर माइलेज में निकाल लेता हूँ। तो ये आप समझिए, इको मोड मान लीजिए आपको लगाना भी है, बेस्ट माइलेज निकालना भी है, तो आपकी गाड़ी एटलीस्ट जो है 70-80 के आसपास की स्पीड पे हो, 5th या 6th गियर पे हो, उसके बाद आपने मान लीजिए इको मोड लगा दिया, तो वो जो रोलिंग के बेस पे आपको जो माइलेज मिलता है, लाइट आप फुटेड एक्सेलेटर रखते हैं उस पे आपको जो बेस्ट माइलेज देखने को मिलता है। और फिर भी डाउट है तो मेरा जो है बेस्ट माइलेज वाला जो वीडियो है वो चेकआउट करिए, उसमें मैंने बताया कि भाई कैसे आप जो है बेस्ट माइलेज निकाल सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ इतना था कि फुल टाइम इको पे मत चलाइए, आप जो है गाड़ी को हार्म कर रहे हैं।